चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो सैटरडे को हमने थोड़ा सा रिटायरमेंट का देखा था कि रिटायरमेंट के केस में पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो सैटरडे को हमने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? सैटरडे को हमने किया था एल एम और एन वाला, विच वाज क्वेश्चन नंबर 20, M20। फिर मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, वो होमवर्क था आपका ये जो मैंने प्लीज होल्ड ऑन अ सेकेंड जी। हाँ जी, तो मैंने आपको फिर एक होमवर्क भी दिया था 14.1, जो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया हुआ है इंट्रो का, ये पुराना क्वेश्चन बैंक है आईकैप का। ठीक है, तो इसका मैं सोल्यूशन आपके सामने रख देती हूँ। वैसे तो इसमें ऐसा कोई भी नहीं था, 14.1 इट वाज ऑल अबाउट एडमिशन। ठीक है, और उसके अंदर आपको इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी भी थी। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा एडिशनली टेस्ट ये हो रहा था कि इसमें जो हमने गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं वो भी इसमें टेस्ट हो रहा था, राइट। फिर उसके बाद गुडविल राइट ऑफ की बात है, सी कितना कैश लेकर आएगा, रिवैल्यूएशन हो जाएगी। ठीक है, फिर ये इन्वेस्टमेंट है वो टेकन ओवर, यानी कि वो है ड्रॉइंग्स है, इन अदर वर्ड, राइट। फिर उसके बाद न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो उन्होंने बता दिया, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको कैलकुलेट करना था, बनाना था, और अपने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। तो कर लिया अपने होमवर्क सबने इसको एटलीस्ट एक दफा देख तो लिया, गो थ्रू कर लिया। हमीदुल्ला, हसनैन, जवाद, उसामा, सरमद, डन, बैलेंस हो गई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। जबरदस्त सोल्यूशन लेकर आऊ आपके सामने, जल्दी से इसको देख लें। प्रॉब्लम होगा तो फिर हम उसको, अगर सिर्फ किसी एक या दो को इश्यू है तो वो अब हम बाद में क्लास के आखिर में डिस्कस कर लेंगे वंस वी आर डन विद द लेक्चर। और अगर कोई सबको कोई प्रॉब्लम है किसी कॉन्सेप्ट में तो वो हम अभी कर लेंगे डिस्कस। जी, तो ये है आपके पास। ये आपके पास आ गया 14.1। तो आपके पास जो रिवैल्यूएशन का जो गेन है, जो कि पुराने पीएसआर पे पुराने पार्टनर्स को जा रहा है, वो है 157,500 और 107,105,000। ठीक है, एक गुडविल की कैलकुलेशन का तरीका है। गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट हुआ है 6,50,000। ठीक है, और गुडविल को रेज करके हमने क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो हम सीधा कैपिटल अकाउंट पे आ जाते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। कैश जो सी लेकर आया है, इसमें गुडविल और कैपिटल दोनों की फिगर शामिल है। ये गुडविल हमने रेज किया है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और ये गुडविल हमने राइट ऑफ किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये रिवैल्यूएशन का गेन है हमारे पास, और यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर जो है वो मार्केट वैल्यू पे ही लेके गए हैं। और आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो कि इन्वेस्टमेंट, अगर हम क्वेश्चन की तरफ आए तो दूसरे उसमें मैं खोल देती हूँ। ठीक है, जो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज थी जो कि हो सकता है किसी को इतना समझ में ना आया हो, कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स हैं, 14.1, अगर हम इस सवाल को देखें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स की जो बुक वैल्यू है वो है 437,500, और यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है इन्वेस्टमेंट विल बी टेकन ओवर इक्वली बाई ए एंड बी एट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹400,000। तो इसमें करना क्या है, देखिए इसमें दो चीजें हो रही हैं। पहले तो ये, जब हम रिवैल्यूएशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे इन्होंने थोड़े डिफरेंट तरीके से रिवैल्यूएशन को किया है। इन्होंने रिवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ा सा डिफरेंट बनाया, बस आपने क्या फोकस करना है कि आपका रिवैल्यूएशन गेन या लॉस, गेन जो है वो इतना आना चाहिए। हम क्या करते हैं, जो इंक्रीज या डिक्रीज की अमाउंट है हम उसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए आपको इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड पे नजर आ रही है 4,00,000, डेबिट साइड पे नजर आ रही है 437,500। तो अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं,
ये बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। एक तो पहले आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है डी वैल्यू, यानी कि कम हो रही है, राइट, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन आ रहा है। बुक वैल्यू है 437,500 और उनकी मार्केट वैल्यू, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ये पता लगता है कि इनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 4 लाख है। तो पहले आपने क्या करना है, पहले तो आपने डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन को अकाउंट फॉर करना है, यानी कि क्या है आपका रिवैल्युएशन लॉस है। डेबिट साइड पे आना चाहिए कितना, 37,500। सबका आ रहा था इसी तरह, सबने किया ये वाला स्टेप, ठीक है। इवन तो ये क्या है, ये ड्रॉइंग्स हैं, लेकिन ये ड्रॉइंग्स कितने पे हैं, ये ऐसी वैल्यू पे हैं जो कि बुक वैल्यू से डिफरेंट हैं। तो याद है जिस तरह हमने ट्रेड पेबल्स जब पे ऑफ किए थे तो उसको भी हमने दो स्टेप्स में ब्रेक किया था। पहले हमने उसके ऊपर वैल्यू रीवैल्यूएशन की थी और फिर हमने उसको पे ऑफ करते हुए दिखाया। तो यहाँ पे भी दो काम होंगे, दो स्टेप्स होंगे। पहले तो आपने अपवर्ड या डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन करनी है। तो बुक वैल्यू है उसकी 437,500, स्टेटमेंट को पढ़ के हमें पता लग जाता है मार्केट वैल्यू है 4 लाख, यानी कि 37,500 का रिवैल्युएशन लॉस। रिवैल्युएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे 37,500 लिख दिया। और फिर आपने डबल एंट्री किसकी पास करनी है, ड्रॉइंग की पास करनी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट को कर देना है क्रेडिट 4 लाख से और कैपिटल अकाउंट ए और बी के हो जाएंगे डेबिट कितने से, 2 लाख 2 लाख, ठीक है। तो इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन था कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, क्या हमने 437,500 को इक्वली लेके जाना है, क्या करेंगे, डबल एंट्री क्या होगी, तो उसका ट्रीटमेंट ही हो गया। क्लियर है ये बात, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं। यानी कि कैपिटल अकाउंट में मार्केट वैल्यूज पे आपने टेक ओवर करना है। क्यों? क्योंकि टेक ओवर की ड्रॉइंग की डबल एंट्री करने से पहले आप कर चुके होंगे उसको क्या, डाउनवर्ड रीवैल्यू कर चुके होंगे। अब वो ड्रॉइंग से पहले वो आ रही होगी 4 लाख के ऊपर। अब 4 लाख को आपने उसको इक्वली विड्रॉ कर लिया। सिर्फ एक यही पॉइंट था इसके अंदर, बाकी सब आपको पता है, ठीक है, बाकी सब हम कर चुके हुए हैं। जी हमीदुल्ला, हसनैन, जवाब, उसामा, क्लियर है? अगर ये आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो रशवत फिर तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, होपफुली। चले जबरदस्त। अच्छा जी, फिर हम करते हैं, अब हम आते हैं रिटायरमेंट में। मैंने आपको शायद M21 भी कहा था होमवर्क में करने के लिए, अगर मैंने नहीं कहा तो आप M21 जो इस डॉक्यूमेंट का है वो भी आप कर सकते हैं अटेम्प्ट, ठीक है। अच्छा M21 ये रहा, अहमद बिलाल एंड इरफान, ये मेरे हाल से मैंने कहा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप इसको नहीं किया हुआ तो आप इसको अटेम्प्ट कर लें, फिर मैं इसका सोल्यूशन कल आपसे शेयर करूंगी। बस इसमें जो एक पॉइंट है वो ये पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कर दिया है, एक्सपेंसेस जो पेबल है यानी कि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को भी इन्होंने कनेक्शन लाइट गई है तो कनेक्शन भी खत्म हो गया।
जी आवाज आ रही है सबको अब? चलें ठीक है, सही है। अच्छा तो M21 जी, नहीं बोलिए, ठीक, सही, थैंक यू। अच्छा तो M21 मैंने कहा था होमवर्क में, आई डोंट रिमेम्बर, शायद मैंने कहा होगा। खैर अगर मैंने नहीं कहा तो अब आप M21 को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई डिफरेंट चीज नहीं है। यहाँ पे आपको उन्होंने एसेट्स, जो नॉन करंट एसेट्स हैं, उनकी रिवैल्युएशन के लिए कहा है। यहाँ पे क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड, यानी कि क्या है, आपका करंट एसेट बना दिया है। यानी कि जब हम ऊपर देखते हैं तो करंट एसेट्स में अभी हमें इंश्योरेंस प्रीमियम नाम की अभी कोई चीज नजर नहीं आ रही। इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड, राइट, इंश्योरेंस प्रीपेड आपका करंट एसेट होता है। तो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब ये कि हमें ₹1,000 का एसेट क्रिएट करना है। एसेट क्या हो रहा है, जीरो से इंक्रीज हो रहा है टू 1,000। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर रिवैल्यूएशन गेन। एक्सपेंसेस पेबल आपकी लायबिलिटी है और वो आपने क्रिएट करनी है अगेन, क्योंकि इससे पहले आपकी लायबिलिटीज में अक्रूड एक्सपेंसेस नाम की कोई चीज नहीं आ रही थी। दिस इज व्हाट, दिस इज क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी फ्रॉम 0 to 800 एंड 0 to 1250। तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये आपका रिवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा। आगे वो ये कह रहे हैं, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000। फर्म की टोटल गुडविल है, विच इज टू बी एडजस्टेड टू पार्टनरशिप अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी बॉर्न बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच शैल रिमेन अनचेंज। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। इसका मतलब ये हुआ कि आपने गुडविल को रेज करके राइट ऑफ कर देना है, ठीक है, गुडविल को रेज करके राइट ऑफ कर देना है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ, टाइम हुआ तो मैं आपको इसके पीछे जो लॉजिक है ना वो भी समझा दूंगी, लेकिन अगर टाइम ना हुआ, ये चीज अगर हम इसको ज्यादा इसमें इंडेक्स ना भी जाएं तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, देखें पिछले सवाल में मैंने आपको जो M9 कराया था उसमें हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था कि आपका जो नया पार्टनर आ रहा है ना, जो नया पार्टनर आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है कि सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में से सिर्फ एक पार्टनर अपना शेयर गिव अप कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसका मतलब ये हुआ, ये जो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर ऑफ गुडविल है ना, ये किसको जाएगा, सारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे ऑब्वियसली उल्टा हिसाब है, यहाँ पे एडमिशन तो हो नहीं रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो रही है। तो अब रिटायरमेंट में भी अभी अगर देखा जाए तो दो सिनारियोज हो सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले तीन पार्टनर्स थे, तीनों को 1/3 1/3 1/3 प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, अब तीनों में से एक पार्टनर चला गया तो अब क्या होगा, अब उसका जो शेयर है, दो सिनारियोज हैं, उसका जो शेयर था या तो अब वो बाकी दोनों पार्टनर्स को डिवाइड होगा, या ये भी हो सकता है सिनारियो इस तरह से भी बन सकता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कौन बेनिफिट, कौन उससे बेनिफिट करे, सिर्फ एक पार्टनर। जिस तरह एडमिशन में हमने देखा था ना कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एक था इंस्टेड ऑफ ऑल ऑल द पार्टनर्स, इसी तरह यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गेनिंग पार्टनर भी एक हो सकता है, सारे पार्टनर जरूरी ना हो। बस इसका इसका जो खास मतलब है वो बस आप इतना ही समझ लें, नंबर 1 आपको गुडविल को राइट ऑफ करना है, ठीक है, गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करना है। और इस पूरे स्टेटमेंट का दूसरा मतलब ये होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर का जो हिस्सा है अब उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, वो किसके खाते में चला जाएगा, किसके हिसाब में चला जाएगा, बाकी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स सारे हैं बाकी जो दो बच गए, ठीक है, बात क्लियर है, सही है जी, बात समझ आ रही है, सब ओके करते जाएं, ये सवाल अटेम्प्ट करें। फिर आगे वो एक और चीज ये बात कह रहा है कि द कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी रेज्ड ₹2,3,00,000 विच शैल बी शेयर्ड बाय अहमद एंड बिलाल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि थोड़ी सी व्हाट इज 1/3 इज द रेशियो, यहाँ पे तो दूसरा है, यहाँ पे जैसे समथिंग एल्स, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। मैं जैसे था कि पहले आप अटेम्प्ट करें उसके बाद मैं ये चीज आपको समझाऊं। M21 हो गया, जबरदस्त आंसर मैच किया, आपके पास है सोल्यूशन इसका, चलें जबरदस्त, वेरी गुड।
इसको थोड़ा सा फिर मैं जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया या काम करें अटेम्प्ट कर ले इसको फिर मैं कल इंशाल्लाह समझाऊंगी। इसमें ये वाली जो चीज है ना ये सिर्फ थोड़ी सी डिस्कस करने वाली है, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ थोड़ा सा आप लोग भी सोचें इसके बारे में। ये क्या कह रहे हैं अभी, कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी रेज 2 रुपीज 3 लाख विच शैल बी शेयर बाय अहमद एंड बिलाल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अब जरा इसको मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे देती हूँ। आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आईपी बोर्ड ठीक है, ये आपके पास पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है फॉर एग्जांपल ए और बी। ये जो मेरे पास बैलेंस कैरी डाउन आता है ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका 10 है इसका 20 है ठीक है, बैलेंसिंग फिगर ये 10 और ये 20, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो टोटल कैपिटल फॉर एग्जाम्पल ये बैलेंस कैरी डाउन मैं निकाल रही हूं 31 दिसंबर 2015 का ठीक है, 31 दिसंबर 2015 वो टोटल कितना है 10 प्लस 20 यानी के 30 राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास बैलेंस कैरेट डाउन के टोटल आते हैं दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म। अब ये इस सवाल में क्या कह रहा है कि जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है ना इट शुड बी व्हाट 3 लाख रुपीज, यानी कि बैलेंस कैरेट डाउन के जो टोटल है सारे बैलेंस कैरेट डाउन को अगर हम टोटल करें वो कितना आना चाहिए 3 लाख रुपए। जरूरी नहीं है कि अभी आ रहे हो, तो इसका क्या मतलब है कि अगर अभी विदाउट पासिंग एनी एडजस्टिंग एंट्री अगर कैपिटल ऑफ द फर्म 3 लाख नहीं है तो आपने उसको 3 लाख बनाना है ठीक है, और वो किस रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जाहिर सी बात है क्योंकि इरफान ने तो रिटायरमेंट कर ली, तो आपने करना क्या है एटलीस्ट जो वो सारे स्टेप्स हैं जो हमें आते हैं वो तो आप करें ठीक है। आखिरी जो स्टेप है स्टेप नंबर 5 है जिसमें कैपिटल की एडजस्टमेंट है वो फिर हम इंशाल्लाह कल करेंगे। मैं ये चाह रही हूँ कि आप एटलीस्ट पहले पूरा सवाल कर लें, मुझे टाइम ना वेस्ट करना पड़े ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हो सकता है सवाल में इस तरह से आ जाए, बात क्लियर है। करेंगे M21 अभी मस्ट है, अगर नहीं किया अगर मेरे से हो सकता है मैं रह गया मुझे बोलना, अगर M21 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया होमवर्क में तो अब करना है क्योंकि मैं ये पूरा सवाल नहीं रिपीट करूंगी ठीक है। तो हमने सिर्फ पार्ट नंबर 5 को करना है, और फिर वो कह रहे हैं कि जी इरफान इज टू बी पेड हिज एंटायर ड्यूज फोर्थविथ, यानी कि उसको कैश में आपने पेमेंट कर देनी है। डबल एंट्रीज मैंने बता दी थी सैटरडे को कि अगर आप 3 आपके ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या तो आपने रिटायरिंग पार्टनर को फुली पे कर दिया पेड इन कैश ठीक है तो आपकी डबल एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट, हाँ कैश एसेट और बोथ दोनों हो सकते हैं, और हो सकता है कॉम्बिनेशन भी हो दोनों का। कैपिटल अकाउंट किसका, रिटायरिंग पार्टनर का। आपने क्या करना है, डेबिट करना है, यानी कि उसके बैलेंस को, ये बेसिकली बैलेंसिंग फिगर निकलेगी ठीक है, ये आपको बैलेंसिंग फिगर नजर आएगी कैपिटल अकाउंट के अंदर, उससे आपने डेबिट कर देना है रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को, और क्रेडिट किसको कर देना है, कैश या बैंक उतनी ही अमाउंट से ठीक है। अगर रिटायरिंग पार्टनर इज पेड थ्रू सम नॉन करंट एसेट तो फिर हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली यही डेबिट तो आपका वही होगा, कैपिटल अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर का डेबिट होगा, और अब क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका नॉन करंट एसेट ठीक है, जो भी आपका जिस भी आप नॉन करंट एसेट्स को पे ऑफ कर रहे हो, फर्नीचर है तो फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा, व्हीकल है तो व्हीकल क्रेडिट हो जाएगी, और तीसरा आपके पास है रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू लोन ठीक है।
amount due to retiring partner is converted into a loan. उसके लिए आपने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट अगेन डेबिट होगा रिटायरिंग पार्टनर का और आपका लॉन्ग टर्म लोन या हो सकता है शॉर्ट टर्म भी हो लायबिलिटी, ये आपने कर दी क्रेडिट। ठीक है, ठीक है, आपके पास तीन ट्रीटमेंट्स हैं। अब हम एक और सवाल देखते हैं, ठीक है, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर M12। ठीक है, ये आपके सामने सवाल है, ठीक क्या कह रहे हैं, नासिर आसिम एंड नजम वर एंगेज्ड इन अ पार्टनरशिप बिजनेस फॉर मेनी इयर्स, दे हैड बीन शेयरिंग प्रॉफिट एज फॉलोज। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इन्होंने बड़ा लफ्जों के साथ खेला हुआ है एंड दैट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। नासिर रिसीव डबल ऑफ व्हाट नजम रिसीव एंड आसिम रिसीव हाफ ऑफ व्हाट नासिर रिसीव, अजीब सा माइंड बॉगलिंग सा है, देखेंगे इसको भी। ऑन जनवरी 1, 2014 नजम डिसाइडेड टू रिटायर एंड स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013 एंड जनरल रिजर्व एट दैट टाइम वर, अगर ख्याल रखिएगा हम खड़े हुए कब है, जनवरी 1, 2014, लेकिन अब तक पिछले साल 2013 के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हुए, ठीक है, और ये 2013 वाला साल ऐसा है जिसमें रिटायर कौन कर रहे हैं, नजम। 2013 में नजम ने नहीं रिटायर किया था, नजम ने 2013 पूरा गुजार के रिटायर किया, यानी कि 2013 के प्रॉफिट में भी नजम का हिस्सा है, राइट। और फिर वो क्या कह रहे हैं, आपको उन्होंने कैपिटल अकाउंट दे दिए बिफोर डूइंग दिस जनरल रिजर्व और प्रॉफिट 2013 के, वो ये है बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग डिसंबर 31, 2013 बिफोर करेक्शन ऑफ एरर रेफर्ड इन पॉइंट 3 बिलो वर्स ₹3,60,000 एंड जनरल रिजर्व स्टूड इन द बुक्स एट ₹120,000 और नीचे उन्होंने रिटायरमेंट के पर्पजेस के लिए जो एडजस्टमेंट आपकी होती है रीवैल्यूएशन की वो उन्होंने आप देखे वर्डिंग इसमें थोड़ी डिफरेंट है, एसेट्स मार्केट वैल्यूज वर फाउंड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट, लैंड की उन्होंने क्या बता दिया मार्केट वैल्यू एक्सीडेड नेट बुक वैल्यू बाय 40,000, इतने से बढ़ाना है हमें या कम करना है। अब सवाल ये आता है बढ़ाना है या कम करना है, रिवैल्यूएशन गेन है या लॉस है, जी गेन है बिल्कुल, क्योंकि मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है। फर्नीचर बुक वैल्यू इज टू बी डिक्रीज बाय 12,000, ये तो साफ पता लग रहा है कि ये रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। अब बात आती है नीचे व्हीकल के बारे में, ये कह रहा है अंडर वैल्यूड बाय ₹8,000 इन बुक्स, ये क्या करेंगे इसको, रिवैल्यूएशन गेन है या लॉस है। बुक्स में व्हीकल्स की वैल्यू 8,000 से अंडर वैल्यूड थी, बिल्कुल ठीक, तो आपको क्या करना है 8,000 से बुक्स की वैल्यू, बुक्स में वैल्यू को बढ़ाना है, बढ़ाने की बात आ गई एसेट है यानी कि रिवैल्यूएशन गेन। डेटर्स के बारे में क्या कह रहा है कि बुक वैल्यू उसकी ओवर वैल्यू थी 6,500 से, तो आपने 6,500 से कम करना है, वेरी गुड हमीदुल्लाह, वेरी गुड। स्टॉक की भी यही सिचुएशन है, हाउएवर आगे देखें क्या कह रहा है, हाउएवर पार्टनर्स अग्रीड नॉट टू कीप दीज मार्केट वैल्यूज इन बुक्स। लैंड का बताऊं, लैंड का कह रहा है मार्केट वैल्यू एक्सीडेड नेट बुक वैल्यू बाय ₹40,000 कि जो मार्केट वैल्यू थी वो बुक वैल्यू से ज्यादा ज्यादा ले गई ना, उससे ज्यादा हो गई, जो मार्केट वैल्यू है इट एक्सीडेड बुक वैल्यू बाय व्हाट, बाय ₹40,000, तो यानी मार्केट वैल्यू आपकी ज्यादा थी और आपकी बुक वैल्यू थी आपकी कम, ठीक है, तो डिफरेंस कितना था, मार्केट वैल्यू एक्सीडेड, तो 40,000 से आपने बढ़ाना उसको, राइट, क्लियर है अमीदुल्ला।
ठीक है, फिर हम आते हैं वापस से सवाल पे। फिर आपके पास जो नीचे ये बात लिखी गई है, अब ये थोड़ी सी हो गई, हाउएवर पार्टनर्स अग्रीड नॉट टू कीप दिस मार्केट वैल्यूज इन बुक्स। जिस तरह गुडविल में होता है ना, पार्टनर्स डिसाइड करते हैं रखना है नहीं रखना, इसी तरह रीवैल्यूएशन का भी ये सिचुएशन है। लेकिन रीवैल्यूएशन में हम क्या करते थे, क्वेश्चन अगर साइलेंट होता था कि पार्टनर्स ने क्या डिसीजन लिया रीवैल्यूएशन गेन या लॉस के बारे में, तो हम क्या कहते थे, इट इज टू बी मेंटेन्ड इन द बुक्स। पिछले सवालों में जितने भी अभी टू सो फार हमने चेंजेस के जितने भी सवाल किए हैं, उसमें वो हमें क्या बताता था, रीवैल्यूड अमाउंट बता दी या रिवैल्यूएशन गेन या लॉस की फिगर बता दी, और हम उसको करके फारे बताते थे। यानी कि उसने आगे से ये नहीं लिखते थे कि भाई पार्टनर्स डिसाइडेड टू मेंटेन द रिवैल्यूएशन इन द बुक्स या राइट ऑफ, उन्होंने कहीं हमने पढ़ाई नहीं है, राइट। यहाँ पे क्या कह रहा है, वो स्पेसिफिकली बोल रहा है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि मार्केट वैल्यूज को बुक्स में नहीं रखना। तो इससे हमने क्या कर दिया, इसका मतलब ये कि हमने जिस तरह हम गुडविल को पहले रेज करके राइट ऑफ करते हैं, इसी तरह हमने रीवैल्यूएशन गेन या लॉस भी पहले नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करना है और रिकॉर्ड करना है, और फिर हमने उसको कर देना है राइट ऑफ, रिवर्स कर देना है उसको, ठीक है। यानी कि पहले हम सारी चीजों को लेकर आएंगे मार्केट वैल्यूज पे, और फिर हम क्या करेंगे, वापस से उनको बुक वैल्यूज पे ले आएंगे। लेकिन अब डिफरेंस किस चीज का आएगा, फिर ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर का, देखते हैं कैसे करते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, नजम टुक ओवर अ व्हीकल हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 9,000 एंड हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000। तो उन्होंने ये बता दिया कि जो नजम ने व्हीकल टेक ओवर किया, उसकी बुक वैल्यू भी बता दी और मार्केट वैल्यू भी बता दी उसी व्हीकल की, कंफ्यूज करने के लिए। कि देखते हैं कि जिस तरह हमने 14.1 में देखा था कि हमने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया है किस पे, हमने मार्केट वैल्यूज की फिगर ली है, यूज की है कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पे क्योंकि वो कह रहे हैं कि वापस से आपने रिवैल्यूएशन गेन या लॉस को राइट ऑफ कर देना है, आपने जो रिवैल्यूएशन की थी उसको आपने रिवर्स कर देना है, तो आप जरा देखते हैं कि ये कैपिटल अकाउंट के अंदर ये ड्रॉइंग को किस फिगर पे लेता है, किस फिगर पे लेनी चाहिए, बुक वैल्यू पे या मार्केट वैल्यू पे। तो क्या लगाएं, चलें उसको देखते हैं बुक वैल्यू पे, चलें ठीक है। हाँ वैसे होगा बुक वैल्यू पे, क्यों, क्योंकि आपने राइट ऑफ कर दी ना रिवैल्यूएशन, चलें ठीक है, वेरी गुड। टोटल गुडविल वाज वैल्यूड एट रुपीज 1,60,000। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि गुडविल को रिटेन करेंगे, यानी कि रिवैल्यूएशन को राइट ऑफ करेंगे, गुडविल को रिटेन करेंगे। फिर वो क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 3 में एरर है प्रॉफिट का। An item of plant was purchased by the firm on July 1, 2010 for ₹50,000. However, it was erroneously charged to profit and loss as an expense. किया हुआ हमने इस तरह का है ना? Depreciation rate for plant is 10% straight line basis. और general reserves, वो कह रहे हैं कि general reserves were to be distributed among partners. तो हमने ये step अपने पास note किया हुआ है कि हमारे पास जो step number 4 है मेरे ख्याल से, है ना, जिसमें ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व्स है, उसमें फिर हम एक और काम क्या करते हैं, हम एक और काम ये कर लेते हैं कि आपका जो अगर तो प्रॉफिट में 2013 के कोई एरर है तो हम उसकी भी एडजस्टमेंट को अपने पास ले लेते हैं, राइट। चलें जी, इसको हम करते हैं फिर 1,60,000, ठीक है। फिर वो ये कह रहे हैं कि आफ्टर अकाउंटिंग फॉर दीज एडजस्टमेंट्स, अच्छा जनरल रिजर्व्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, ये बात नहीं भी कहते तो हमें पता है कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करने ही होते हैं जनरल रिजर्व्स। आफ्टर अकाउंटिंग फॉर दीज एडजस्टमेंट्स नजम वाज पेड ऑफ थ्रू चेक, और हमें बनाना क्या है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है शोइंग अबव ट्रांजेक्शन एंड एडजस्टमेंट, ठीक है। स्टेप्स को लेके चलते हैं। सबसे पहले तो हमें ये भी पता लग जाए कि भाई पीएसआर था कितना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, हमें तो ये भी नहीं पता, राइट, देखते हैं उसको। फिर इन्होंने हमें फिगर्स में कुछ भी नहीं बताया हुआ, चलें सवाल में क्या लिखा हुआ है। सवाल ये कहता है नासिर रिसीव डबल ऑफ व्हाट नजम रिसीव। तो हम क्या करते हैं मैथ में, हम करते आते हैं ना किसी इस तरह के कोई वर्ड प्रॉब्लम हो तो हम किसी को एक एक्स कह देते हैं आसानी के लिए, वो कर लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि लेट नासिर शेयर बी एक्स, ठीक है। नासिर रिसीव डबल ऑफ व्हाट नजम रिसीव,
यानी कि नासिर को जो मिल रहा है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ व्हाट, नजम रिसीव। तो अगर नासिर को एक्स मिलता है तो इसका मतलब ये है कि नजम को मिलता होगा एक्स बाय टू, है ना। यानी कि नजम के अगर मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे तो फिर हमारे पास नासिर का एक्स बनेगा। इज दैट क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। आसिम रिसीव हाफ ऑफ व्हाट नासिर रिसीव, ये भी वही वाली बात हो गई कि जो आसिम है ही रिसीव हाफ ऑफ व्हाट नासिर रिसीव। तो बेसिकली नजम और आसिम वाली बात एक ही चीज को इन्होंने दो डिफरेंट तरीकों से आपको बता दी, लेकिन यू फाउंड दैट आउट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको अब एक्स को रिमूव कर दें, अगर हमें फिगर्स में आंसर चाहिए हो, हम इसको ये कह सकते हैं एक्स वन बाय टू, सॉरी वन वन बाय टू वन बाय टू। इसको और थोड़ा ठीक करना तो हम टू इज टू वन इज टू वन, राइट, होल फिगर्स में लेकर आए इसको, ज्यादा बेटर है। चलें, तो हमारे पास ये आ गया कि नवाज की रिटायरमेंट से पहले जो हमारे पास ओल्ड पीएसआर है वो हमने निकाल लिया, और वो क्या है, टू इज टू वन इज टू वन। इज दैट क्लियर, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? स्टेप नंबर वन हमारे पास है कि वी नीड टू फाइंड आउट, हाँ वन इज टू इज टू वन इज टू वन, हाँ कर ले सामा, वर्किंग जरूरी नहीं है, मैंने तो समझाने के लिए किया, अगर आपको वैसी समझ में आ गया तो गुड है, लेकिन ऑर्डर जरा याद रखिएगा। आप वन इज टू इज टू वन कह रहे हैं तो नासिर का टू है, ठीक है। टू इज टू वन इज टू वन, अब क्या हो रहा है, अब उन्होंने सवाल में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि नजम के रिटायर करने के बाद नासिर और आसिम किस रेशियो में शेयर करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि अब हमने क्या कर देना है, सॉरी न्यू, सॉरी ये तो ओल्ड हो गया, मैंने उल्टा लिख दिया, और ये हमारे पास हो गया न्यू पीएसआर। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, ये फिगर उठा के इधर लिख देंगे, नजम रिटायर कर रहा है और ये वाली फिगर उठा के इधर लिख दी। लेकिन जब हम रेशियो की बात करेंगे, जब हम फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो ये है टू बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर, राइट, और ये हो जाएगा टू बाय थ्री और वन बाय थ्री। तो हमने अपनी आसानी के लिए पहले ही हमने पी एस आर यहाँ से इस तरह कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, काम आपने क्या करना है, आपने स्टेप वन से पहले ही, ये मुझे चीज नहीं याद नहीं बोलना, कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा आप पहले ही खड़ा कर दें, ठीक है, पहले ही खड़ा कर दें आप, पहले यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करें, बैलेंस ब्रॉड डाउन जो आपके पास क्वेश्चन में उन्होंने दिए हुए हैं 480, 240 और 240, ये भी यहाँ पे लिख लें। ठीक है, स्टेप नंबर वन आपके पास हो गया, आपने न्यू पीएसआर जो है वो कैलकुलेट कर लिया, अब बारी आती है किसकी, गुडविल की, स्टेप नंबर टू। ठीक है, अच्छा कहाँ गया गुडविल का, ये रहा। अब यहां पे आपको बता दिया हुआ है कि आपके पास टोटल गुडविल की वैल्यू कितनी है, 1,60,000, और साथ ही उन्होंने आपको एक एरर भी बता दिया है। तो जब हम बेसिक गुडविल की, मैंने आपको जो फॉर्मूला कराए थे
उसके बाद फिर उसमें उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास गुडविल का मेथड हो एवरेज प्रॉफिट्स वाला, तो हमें क्या करना होगा, पहले एक चीज को इंश्योर करना होगा कि प्रॉफिट में जितने भी एरर हैं उनको हम एडजस्ट कर लें, राइट। और उसके बाद फिर हम गुडविल निकालते थे। अब बात यह है कि आपके पास गुडविल कैलकुलेट करने का जरिया सिर्फ एक प्रॉफिट ही नहीं है ना, आपके पास मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। आप जिसमें कैपिटलाइजेशन मेथड है, अब कैपिटलाइजेशन मेथड में एज सच अगर आपके पास कोई प्रॉफिट में एरर भी आ जाएगा तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका थोड़ा सा इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा आपके गुडविल पे। यहाँ पे आप अगर इस बात को, मेरे से हो सकता है किसी के दिमाग में ये बात आ जाए कि यहाँ पे प्रॉफिट का एरर आया है तो इसका मतलब है कि 1,60,000 को भी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। आपने इस तरह के कॉम्प्लेक्स सवाल में कुछ भी नहीं करना, गुडविल को एज इट इज रहने देना है और इस बात को अज्यूम करना है कि ये जो 1,60,000 की फिगर निकली है गुडविल की, दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, दिस डज नॉट हैव ये जो प्रॉफिट के अंदर एरर आया है उसका इंपैक्ट, इज दैट क्लियर। अनलेस कि उन्होंने सवाल में ये बात लिखी भी हो कि ये जो गुडविल है दिस हैज टू बी एडजस्टेड एज वेल, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉफिट का एरर आ रहा है ये इन्होंने हमें इसलिए बताया है, क्यों, क्योंकि हमें 2013 का जो शेयर और प्रॉफिट है उसकी हमने एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है। तो गुडविल का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस चीज का गुडविल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सवाल के अंदर आते हैं, तो सवाल के अंदर इन्होंने आपको 1 लाख, आप इसको इस तरह से भी अज्यूम करें कि इन्होंने ये जो आइटम है ये एरर आइडेंटिफाई कर लिया ना 1 जनवरी 2014 को, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये गुडविल की भी कैलकुलेशन इन्होंने आज के दिन ही की होगी क्योंकि जरूरत ही आज के दिन पड़ी है 1 जनवरी 2014 को, तो इन्होंने ये 1,60,000 सारी करेक्ट फिगर्स को यूज करते हुए कैलकुलेट किया होगा। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे इन्होंने खास तौर पे मेंशन किया हुआ है बिफोर द करेक्शन ऑफ एरर रेफर टू इन पॉइंट 3 बिलो, यानी कि 3,60,000 में उन्होंने खास तौर पे पिन पॉइंट कर दिया कि 3,60,000 में अभी भी करेक्शन ऑफ एरर करना बाकी है, इज दैट क्लियर। तो इसलिए हम इस पॉइंट को यहाँ पे इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा ये काम हो गया, तो हमने करना क्या है, गुडविल को रेज करके बुक्स में रहने देना है। तो हमने क्या करना है, गुडविल हमारा नॉन करंट एसेट है, हमने उसको डेबिट कर दिया 1,60,000 से और उसको हमने क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने उसको डिवाइड कर देना है, नासिर, नजम और आसिफ। जरा करें जल्दी से 2:1:1 के रेशियो में। एटी फोर्टी फोर्टी वन लैख 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/4, ठीक है। तो 80,000, 40,000, 40,000 राइट ऑफ नहीं करना, इसलिए हमारा यहाँ पे आके काम खत्म हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे जो कि हमारा क्या है, रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन करने के लिए भी हमें इन्होंने सवाल में चीजें दे दी हैं, इन्होंने हमें देखे क्या किया, इन्होंने हमें जितने से इंक्रीज या डिक्रीज करना है ना वो फिगर ऑटोमेटिकली दे दी है। तो अगेन दोबारा से हमें इस प्लांट में, प्लांट के अंदर ऐसे है इसमें है भी नहीं, खैर रिवैल्यूएशन, ठीक है, तो हमें उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब हमने क्या करना है, लैंड, फर्नीचर, व्हीकल, डेटर्स और स्टॉक, अब इसकी हमने क्या कर देनी है, रिवैल्यूएशन। इतनी प्रैक्टिस हो गई है मेरे ख्याल से कि आप डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, ठीक है। सबसे पहला आइटम क्या है, लैंड के अंदर मार्केट वैल्यू एक्सीडेड द बुक वैल्यू बाय 40,000, तो ये आपके पास आ गया रिवैल्यूएशन गेन, आपने ये लिख दिया क्रेडिट साइड पे। चाहे तो, क्योंकि देखें सवाल के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्या मांग रहा है, वो कैपिटल अकाउंट मांग रहा है। तो अगर आप चाहें, अगर आपके पास टाइम कम हो तो यू कैन इवन फॉरगो मेकिंग दिस टी अकाउंट, आप एक स्टेटमेंट फॉर्म में जल्दी से कैलकुलेशन कर लें, एड लेस करके नेट अमाउंट, लेकिन कैलकुलेशन दिखानी जरूरी है, किसी ना किसी फॉर्म में आपको ये फिगर्स दिखानी जरूरी है कि आपका जो रिवैल्यूएशन गेन या लॉस आया है वो किस तरह से आया, ठीक है। तो वो चीज तो आपने फॉरगो बिल्कुल भी नहीं करनी, हाँ फॉर्मेट आपका ऊपर नीचे हो सकता है। तो
लैंड के ऊपर आपका रिवैल्यूएशन गेन आ गया 40,000 का, फर्नीचर में आपने बुक वैल्यू को डिक्रीज करना है 12,000 से, यानी कि रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। अच्छा, फिर आपके पास क्या है, व्हीकल अंडर वैल्यू थी 8,000 से बुक्स में, यानी कि आपने उनको ठीक करना है, इंक्रीज करना है उनकी वैल्यू को, ये आपने व्हीकल्स को कर दिया। और फिर आपके पास है दो, आपके पास लॉसेज हैं 6,500 और 2,500। और ये आपके पास डेटर्स और स्टॉक। ठीक है, जरा निकालें क्या आ रही है आपके पास, नेट रिवैल्यूएशन गेन है, रिवैल्यूएशन लॉस है, कितना है? ₹27,000 का आपके पास आएगा रिवैल्यूएशन गेन, जिसको आपको किस में डिवाइड करना है, ओल्ड पीएसआर में। ठीक है, ना से नजम और आसिम, 2:1:1। तो 27,000 को जब हम 2/4 करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आएगा 13,500, 13,500। फिर इसको फर्दर आप डिवाइड कर देंगे 6,750, और इसको मैं मिटा देती हूँ, एक ही फिगर हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये काम करेंगे तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बैलेंस हो जाएगा। तो अब ये फिगर भी आपके पास आ गई। फिर हम आते हैं और नीचे, हमने रिवैल्यूएशन कर ली, अब स्टेप नंबर कौन सा है, स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 में आप क्या करते हो, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व टू कैपिटल अकाउंट और एडजस्टमेंट ऑफ एनी प्रॉफिट। अब जरा यहाँ पे जरा और से देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले आपने क्या करना है, करेक्शन ऑफ प्रॉफिट एरर होगा पहले। दो काम है ना स्टेप में, हम दो काम करेंगे, एक तो आप ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व को, और दूसरा आपने क्या करना है, अपना प्रॉफिट एरर आपने अपना ठीक करना है। ठीक है, आपने पहले काम क्या करना है, पहले आपने प्रॉफिट एरर अपना ठीक करना है, उसका रीजन क्या है अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, जनरल रिजर्व इसमें है कितने? ठीक है, अच्छा अब हम पहले आ जाते हैं प्रॉफिट के एरर को देखते हैं। हम खड़े हुए 1 जनवरी 2014 पे, एन आइटम ऑफ प्लांट वॉज परचेज बाय द फर्म ऑन 1 जुलाई 2010 फॉर ₹50,000। हाउएवर इट वॉज एरेनसली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सपेंस। ये कौन सा एक्सपेंस है, वो एरर है, ये आपने जो कैपिटलाइज करना था, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने उसको ट्रीट कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसमें हम देख चुके हैं ये एक ऐसा एरर है जिसका इफेक्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स पे भी पड़ता है, राइट? चले, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अकाउंटिंग ईयर है, हाँ अकाउंटिंग ईयर है आपका जनवरी टू दिसंबर, और वो कैसे पता चला, यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास ईयर एंडेड 2010, 31 दिसंबर 2010, 1 जुलाई 2010 को ये एरर हुआ है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि ₹50,000 आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो गया एक्सपेंस, यानी के प्रॉफिट क्या हुआ आपका, अंडरस्टेटेड, आपने ₹50,000 चार्ज कर दिया एज एन एक्सपेंस, यानी कि आपने अपने प्रॉफिट को 50,000 से ज्यादा कम कर दिया, इन अदर वर्ड्स लेस कर दिया आपने, आपका प्रॉफिट जो है वो 50,000 से ज्यादा होना चाहिए था। सिर्फ अगर हम इस आइटम का देखें, एक्सपेंस ट्रीट नहीं होना चाहिए था 50,000 पूरा का पूरा, लेकिन आपने पूरे के पूरे 50,000 को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया।
इसी आइटम का दूसरा इफेक्ट क्या हुआ कि क्योंकि आपने 50,000 को पूरा का पूरा एक्सपेंस आउट कर दिया, एसेट नहीं क्रिएट किया, इसका मतलब ये है कि इस साल इस पर्टिकुलर ईयर एंडिंग में डेप्रिसिएशन ही नहीं कैलकुलेट हुई. कितने महीनों की? 6 मंथ की. ठीक है, क्योंकि हमें डेट भी दी हुई है, तो जब डेट दी हुई होती है तो हम प्रोपोर्शनेट पॉलिसी को फॉलो करते हैं. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन रेट आपको गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ आप यहाँ पे हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. जब हम कैलकुलेशन करते हैं 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक कितनी अमाउंट आ रही है? 2,500. अब ये जो 2,500 है, इतने से प्रॉफिट कितना है? ओवरस्टेटेड है. क्या मतलब है? 2,500 एक्सपेंस ट्रीट होना चाहिए था, नहीं हुआ, यानी कि प्रॉफिट हमने गलती से इतनी अमाउंट से ज्यादा दिखा दिया है. तो अगर हम ये देखें नेट बेसिस पे हो क्या रहा है, ये बात समझ में आ रही है? 48,005 दो एरर्स हुए ना, दो एरर की दो इम्प्लीकेशंस हैं. ऑन अ नेट बेसिस 48,500 से हमारा उस साल का प्रॉफिट क्या है? अंडरस्टेटेड है. एक्सपेंस में 2,500 की फिगर जानी चाहिए थी. ठीक है, गई कितने की? 50,000. यानी कि आपने 48,500 से एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया था उस साल. उस साल का प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए था, आपने 48,500 से कम दिखाया प्रॉफिट. इतनी बात क्लियर है? ये तो आपकी बात हो गई 2010 की. ठीक है, अच्छा कौन कौन है? हमीदुल्ला, हुसैन, जवाद, नसीर, उसामा, क्लियर. अच्छा हमीदुल्ला, 2,500 का 2,500 क्या है? ये 2,500 है आपका डेप्रिसिएशन. हुआ क्या था? आपने एक 47 है, अच्छा 47 है. ठीक है, अच्छा मैं हमीदुल्लाह को बस क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद विल मूव अहेड. ठीक है, 47,500. थैंक यू. अच्छा हुआ क्या था यहाँ पे आपके पास? ये क्या है? प्लांट है. ठीक है, यानी कि इसको कैपिटलाइज होना चाहिए था, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी चाहिए थी अगर सब ठीक ठीक होता. लेकिन हुआ क्या? पूरी की पूरी फिगर जो है ना एसेट की कॉस्ट की, वो आपने चार्ज ऑफ कर दी एज एन एक्सपेंस. ठीक है, यानी कि इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं हुआ. और नंबर टू क्या हुआ? पूरी की पूरी 50,000 रुपए आपके पास चली गई, प्रॉफिट से डिडक्ट हो गई एज एन एक्सपेंस. अगर सब कुछ ठीक हो रहा होता, हम क्या करते? जुलाई 1, 2010 को हमने एसेट खरीदा, ईयर एंड हमारा हो रहा है 31 दिसंबर 2010, यानी कि 6 महीने के बाद, तो हम क्या करते हैं? 50,000 के ऊपर 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 प्रोपोर्शनेट पॉलिसी को यूज करते हुए जब हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हैं, वो आती है 2,500 रुपए. 2,500 रुपए वॉज द ओनली अमाउंट दैट शुड हैव बीन चार्ज एज एन एक्सपेंस. है ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है 50,000 में से सिर्फ 2,500 आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन चला कितना गया? पूरा 50,000 रुपए. तो यानी आपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन में एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया था 2010 में. कितने से ज्यादा दिखा दिया था? 47,500. इज दैट क्लियर? तो नेट अमाउंट हमने निकाल ली, सिर्फ और सिर्फ 2,500 जाना चाहिए था जो कि नहीं गया, पूरा 50,000 चला गया. 2,500 तो उसमें बिल्कुल ठीक है, यानी कि 47,500 की अमाउंट है जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया, नहीं होना चाहिए था. ठीक है, क्लियर है हमीदुल्ला? ठीक है, 31 दिसंबर 2011 की बात करते हैं हम. खड़े हैं 1 जनवरी 2014 पे. 31 दिसंबर 2011 में क्या हुआ? अब इस एरर का इफेक्ट क्या पड़ा कि क्योंकि ये 50,000 का एसेट कैपिटलाइज ही नहीं हुआ, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि टू डेट कोई डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुई. है ना, तो अब हम क्या करेंगे? अब इस सिचुएशन में हम ये कहेंगे 2011 में तो वो एसेट पूरे साल इस्तेमाल हुआ है, यानी कि अब उसके ऊपर इस साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना चार्ज होना चाहिए था? 50,000 पे हम 10% लगाएंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो ये अच्छी बात है. यानी कि 5,000 हमारा एक्सपेंस था जो कि 2011 के प्रॉफिट में जाना चाहिए था, नहीं गया,
यानी कि 5,000 से हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है, हमें उसको अब कम करना है, राइट। 2011 के प्रॉफिट 5,000 से ओवर स्टेटेड है, 5,000 का एक्सपेंस चार्ज ही नहीं हुआ हुआ उसमें, इज दैट क्लियर। अपने पास सिर्फ ये फिगर्स पहले नोट करके हम रख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आखिर में बताऊंगी करना क्या है। फिर आ जाता है 2012, उसमें भी हमारे पास क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए सेम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा 5,000 रुपए का, और यहाँ पे भी हम कहेंगे कि प्रॉफिट आपका क्या है, ओवर स्टेटेड हुआ हुआ है, आपने उसको भी ठीक करना है, एरर क्या है, प्रॉफिट ओवर स्टेटेड। इतना क्लियर है सबको, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। फिर बारी आ जाती है ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, इसमें भी क्या सिचुएशन हुआ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका 5,000 बनता था जो कि आपने कैलकुलेट नहीं किया, और उसकी वजह से 2013 का भी जितना भी प्रॉफिट गिवन है वो कितना है, ओवरस्टेटेड है, ठीक है। आपने इस एरर का इफेक्ट निकाल लिया कि इस एरर की वजह से इतनी अमाउंट का इफेक्ट पड़ा है और अब हमने उसको ठीक करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास दो फिगर्स गिवन है, एक जनरल रिजर्व की और एक गिवन है प्रॉफिट फॉर 2013, ठीक है। जनरल रिजर्व की फिगर कितनी है, 1,20,000, यही है ना, जनरल रिजर्व है 1,20,000, और प्रॉफिट फॉर 2013 कितना है, 3,60,000, ठीक है। अब जरा इधर गौर से देखें, यहां पे ये जो आपका जनरल रिजर्व है ये मैंने आपको क्या बताया हुआ है, दीज आर व्हाट, एक्यूमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर, राइट। इसको मैं अगर लिखूं तो कुछ इस तरह से होगा, एक्यूमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स ने अभी तक अपने कैपिटल अकाउंट में नहीं लेकर आए, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए उनको, वो घर भी नहीं लेके जा रहे उसको, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, 2013 का उन्होंने हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, और उन्होंने हमें ये बता दिया हुआ है कि अभी तक ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ था, ठीक है। ये कहां पे दिया हुआ है, पार्टनर्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013। तो हम एक काम, हम ये बात कह सकते हैं कि ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ना, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 2013 का, और ये फिर कब के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, पता नहीं कब से लेके 2012 तक के, जब से वो शुरू हुआ था बिजनेस तब से लेके 2012 तक। क्यों, क्योंकि 2013 का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपको अलग से गिवन है, वो अभी तक जनरल रिजर्व का पार्ट नहीं बना, ठीक है, बात क्लियर है। तो हमारे पास प्रॉफिट की फिगर है दोनों, लेकिन दोनों प्रॉफिट की फिगर्स जो हैं वो अलग अलग पीरियड को कवर करती हैं। ये एक साल को कवर करता है 2013 को, और ये 2012 तक पता नहीं कितने साल, उसमें हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है, ये उस पीरियड को कवर करता है। इज दैट क्लियर, इतनी बात क्लियर है आपको। बस इस बात का ये ख्याल रखना है कि 3,60,000, देखिए वैसे भी फिगर्स में इतना डिफरेंस है, जनरल रिजर्व है 1,20,000, तो इसमें तो वैसे ही 2013 का प्रॉफिट शामिल ही नहीं है, है ना, वो वैसे ही कम है। लेकिन अगर ज्यादा भी होता जनरल रिजर्व की फिगर, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि प्रॉफिट फॉर 2013 अगर अलग से दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि प्रॉफिट हैज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड येट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जनरल रिजर्व अलग है, प्रॉफिट फॉर 2013 अलग अलग, दोनों अलग अलग पीरियड को कवर कर रहे हैं, सेम चीज ही, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सेम। जी क्लियर है बात, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिंक इन कर गई। हमीदुल्ला हो गया क्लियर, जवाब, नसीरुद्दीन, उसामा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, हमने जो ये प्रॉफिट का एरर निकाला था, जो हमने प्रॉफिट का एरर हमारे हमने निकाली है चीजें सारी, अब अगर हम देखें इसमें कौन कौन से अकाउंटिंग ईयर इफेक्ट हो रहे हैं, 2010 हो गया, अच्छा आपके पास कौन कौन से ईयर्स फॉलो कवर हो रहे हैं इसमें, 2010 में इफेक्ट पड़ा, 2011 में, 12 में और 13 में, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ जनरल रिजर्व में 2012 तक के सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स मौजूद हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली भी जो फिगर है इसमें भी इस एरर का इम्पैक्ट पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है इस एरर का, राइट। तो हमने करना क्या है, हमने करना ये है 2012 तक की जो हमने एडजस्टमेंट करनी है ना वो करनी है 1,20,000 में, और जो खास सिर्फ 2013 का इफेक्ट है जिसमें ये वाला जो है लास्ट वाला वो हम दिखा देंगे 3,60,000 में एडजस्ट करके, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे उसको, इस तरह से कर लें। चार्ट आपने बनाया हुआ है पहले जनरल रिजर्व और प्रॉफिट फॉर 2013, आप दो ये वो दिखा दें, ठीक है। प्रॉफिट अनरिस्टेटेड था पहले 47,500 में, क्या था, अनरिस्टेटेड था। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वर्किंग का, आप चाहें तो एक ही लाइन में सारा वो दिखा दें, ठीक है। मैं सिर्फ उसको ब्रेक करके बता रही हूँ 47,500। सवाल ये आता है अभी ऐड होगा या लेस होगा, जो हमने 2010 को में जो प्रॉफिट निकाला था वो कम था 47,500 से, तो हमने क्या कर देना है 1,20,000 में 47,500 ऐड कर देंगे, वेरी गुड, ठीक है। अंडरस्टेट था उसको हमने बढ़ाने के लिए ऐड कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूं 2011 2012 के दोनों को ऐड कर देती हूँ, ठीक है, 5,000 और 5,000, क्योंकि दोनों का इफेक्ट सेम है। तो टोटल 10,000 से प्रॉफिट ओवरस्टेटेड था, उसको वापस नीचे लाने के लिए हम 10,000 यहां पे कर देंगे लेस, ठीक है। ये काम हो गया, फिर आपके पास आ गया जी प्रॉफिट ओवरस्टेटेड 2013। 2013 का जो प्रॉफिट ओवरस्टेट हुआ है ना वो फिर आप 2013 के ही जो प्रॉफिट अलग से गिवन है आप उसमें से एडजस्ट करें, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या सिचुएशन होगा, 120 जरा ऐड करें कितना आ रहा है, ऐड लेस करें, 120 प्लस 47,500 माइनस 10,000 157,500। यही आ रहा है आंसर, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो गया, अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या, नंबर 1 2013 का भी अब आप शेयर आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और आपने जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। चाहे तो सबको मिला के भी कर रहे, कोई मसला नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मेन जो चीज थी वो ये थी कि आपको ये पता होना चाहिए ये चीज कि कितनी अमाउंट है, ऐड करना है लेस करना है, चाहे तो इन दोनों को एक ही कॉलम में कंबाइन कर लें 2 लाख, क्योंकि देखो डिस्ट्रीब्यूट तो दोनों किस पे होने हैं, ओल्ड पीएसआर पे होने हैं ना, जनरल रिजर्व भी ओल्ड पीएसआर पे डिस्ट्रीब्यूट होना है और प्रॉफिट शेयर भी ओल्ड रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो ट्रीटमेंट अल्टीमेटली आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, लेकिन सही तरीका वो ये है क्योंकि दोनों चीजें भी अलग अलग है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, जनरल रिजर्व को एलिमिनेट करना है। तो जनरल रिजर्व अब आप कर दें डेबिट 157,500, अगेन डबल एंट्री पास करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम ये अज्यूम करें कि ये जो प्रॉफिट के जो एडजस्टमेंट है ना, ये इसकी भी जो भी रेलेवेंट डबल एंट्रीज है वो भी हमने ठीक ठीक पास कर लिया। अब हमने सिंपली क्या करना है, अब हमने सिंपली उसकी कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी है, नासिर नजम और आसिम को जल्दी से कैलकुलेट करें 2:1:1 157,500 जल्दी करें। FAR 2 की क्लास स्टार्ट हो गई आपकी, अच्छा चलें बस ठीक है, इसमें यही तक रखते हैं फिर।
अच्छा, हमने रिवैल्यूएशन को राइट ऑफ भी नहीं किया। ओहो, ये स्टेप भी मैं सोच रही हूँ कि ये क्यों इतनी जल्दी हो गया। ठीक है, ये फिर मैं स्टेप नंबर जो आपका था रिवैल्यूएशन राइट ऑफ का, मुझे किसी ने वो भी नहीं किया कि यहाँ पे राइट ऑफ करना है। स्टेप नंबर 3 ये अभी हमारा इनकम्प्लीट है, इसको हम इंशाल्लाह फिर कल कंप्लीट करेंगे। ये बस मुझे कंप्लीट करा दें। कितना अमाउंट आ रहा है? 78750। ठीक है, 750, 39375 और 39375। और इसी तरह शेयर ऑफ प्रॉफिट का आपको पता है, आपने अगेन डबल एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है अगेन, लेकिन अगर लिखेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा कितने से? 1355 से, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसको इसी तरह से कर दें। और कैपिटल अकाउंट नासिर, नजम और आसिम, ये जरा जल्दी से बताएं। 355 को 2:1:1 में डिवाइड करें शेयर ऑफ प्रॉफिट को। वन डबल सेवन 500। ठीक है, 88750 और 88750। ठीक है, तो हमने स्टेप नंबर 4 तो कर लिया है कंप्लीट, लेकिन हमारा अब हमें दोबारा से स्टेप नंबर 3 पे इंशाल्लाह हम कल जाएंगे कि रिवैल्यूएशन को फिर हमें राइट ऑफ भी करना है। ठीक है, तो वो अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। फिर आखिरी हमारा स्टेप है स्टेप नंबर 5, उसमें फिर हमारा कैपिटल अकाउंट की रिमेनिंग एडजस्टमेंट। तो अब आपका होमवर्क क्या है, आपने M21 करना है जितना हो सकता है। फिर उसमें जो एडिशनल चीज थी कैपिटल बैलेंस की, वो फिर हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। कल हमने एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन डिस्कस करनी है, रिटायरमेंट और एडमिशन अगर एक ही दिन हो जाए या एक ही साल में हो जाए तो क्या करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कल कोशिश करूंगी कि जरा जल्दी से स्पीड हमारी थोड़ी इंक्रीज हो। फिर इस हफ्ते हमारा पूरा जाएगा पार्टनरशिप्स में ही, डिसोल्यूशन रहता है और हमारा रहता है अपना अमलगमेशन। ठीक है, तो कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो इजाजत। जी, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, प्रॉब्लम? जी हमीदुल्ला, माइक ऑन कर ले अगर लंबा सवाल है तो। अच्छा, कौन सी ट्रीटमेंट? रेशियो कैलकुलेशन, इसी सवाल का जो था। अच्छा, वो वाला रिटायरिंग पार्टनर इज पेड वाला, ये है। ठीक है, चलो मैं फिर रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ। ठीक है, जो लोग जाना चाहते हैं वो जाएंगे क्लास में FAR 2। थैंक यू, लास्ट।